हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं ऑल न्यू अपकमिंग न्यू क्लासिक 350 के जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है उसके बारे में। तो इसका फ्रेंड्स जो डिटेल्स है वो आज मैं आपको सब बताने वाला हूँ कि कौन कौन से कलर वेरिएंट में ये लॉन्च होने वाली है, कितना इसका प्राइसिंग वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलेगा, कितने कलर्स में आपको डुअल चैनल ABS मिलेगा, कितने में सिंगल चैनल ABS कंपनी ऑफर करेगी और फीचर्स में इसमें क्या क्या ऐड ऑन हुआ है। तो अगर आपको फ्रेंड्स इसका सभी डिटेल्स जानना है तो आप इस वीडियो को देख लें। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इसके रिव्यू का, तो जैसे ही बाइक लॉन्च होगी आपको रिव्यू मिल जाएगा हमारे चैनल पर। अभी फिलहाल में आप डिटेल्स इसका पूरा जान लें, इस वीडियो को पूरा देख लें ताकि आपकी सभी डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इसके चेंजेस के बारे में। तो इसमें सबसे मेजर जो कंपनी ने चेंज किया है वो किया है इसके इंजन में। पहले जो इसमें इंजन आ रहा था कंपनी ने उसे रिमूव कर दिया है, इसमें बिल्कुल ही न्यू इंजन है वो कंपनी आपको ऑफर कर रही है, जो कि कंपनी मेटियोर में ऑफर कर रही थी, मेटियोर 350 में, जो कि लगभग मैं यहाँ पे 20.2 BHP का पावर और 27 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि देखा जाए फ्रेंड्स तो काफ़ी रिफाइंड इंजन है। मेटियोर में अभी काफ़ी अच्छा है इसका रिस्पांस रहा है। और ये जो इंजन है फ्रेंड्स देखा जाए तो कंपनी अगर क्लासिक में ऑफर कर रही है तो काफ़ी अच्छा ये आपका परफॉर्मेंस अब डिलीवर कर देगा। अगर हम बात करते हैं इंजन के रिफाइनमेंट की और वाइब्रेशंस वगैरह की, तो काफ़ी रिफाइंड इंजन है, वाइब्रेशंस इसमें काफ़ी कम आपको देखने को मिलता है क्लासिक के कंपैरिजन में। तो ये एक यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके कलर ऑप्शंस के बारे में, टोटल फ्रेंड्स ये 11 कलर ऑप्शंस में कंपनी ने इसे लॉन्च किया है, जिसमें कि दो कलर ऑप्शन में आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, जिसका कि नाम कंपनी ने रखा है फ्रेंड्स यहाँ पे रेडिश ग्रीन और दूसरा रखा है रेडिश ग्रे। तो इसका जो दो कलर वेरिएंट है उसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा और जो 9 कलर बचा है उसमें आपको डुअल चैनल ABS के साथ बाइक देखने को मिलेगी। अगर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स स्पोक व्हील्स आपको कितने कलर ऑप्शंस में मिलेंगे, तो जो यहाँ पे 9 कलर ऑप्शंस है उसमें से फ्रेंड्स आपको 7 कलर जो ऑप्शन आएगा उसमें आपको स्पोक व्हील्स मिलेगा, और दो जो कलर ऑप्शन है फ्रेंड्स उसमें आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलेगा, जिसमें कि फ्रेंड्स आपको पंचर वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि आप जानते होंगे जो मतलब स्पोक व्हील्स रहता है उसमें कंपनी आपको ट्यूबलेस टायर ऑफर नहीं करती है, ट्यूब्ड टायर ऑफर करती है। अलॉय व्हील्स वाले वेरिएंट में आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा, जिसका कि नाम कंपनी यहाँ पे रखा है फ्रेंड्स डार्क स्टिल्थ ब्लैक और दूसरा रखा है डार्क स्टिल्थ ग्रे कलर। तो ये दो कलर ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको ट्यूबलेस टायर्स और अलॉय व्हील्स देखने को मिलेगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स सभी कलर ऑप्शंस का बात। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हाइलाइटिंग फीचर्स की, आपको चेंजेस क्या क्या किया गया है, तो चेंजेस में फ्रेंड्स इसका जो फ्रंट का पोर्शन है वो चेंज कर दिया गया है पूरा। लाइट्स जो है वो आपको डिफरेंट मिलेगा, LED DRLs वगैरह किसी तरह का नहीं मिलेगा, हेलोजन में ही सेटअप मिलेगा। इंडिकेटर्स का डिज़ाइन कंपनी चेंज कर दिया है यहाँ पे, टैंक का डिज़ाइन जो है वो चेंज कर दिया गया है, हैंडल बार्स जो है उसे भी यहाँ पे कंपनी ने चेंज कर दिया है। अगर हम बात करते हैं फ्रंट के सस्पेंशन के बारे में, तो फ्रंट में फ्रेंड्स अब आप इसमें बिल्कुल ही न्यू टेलीस्कोपिक फोक्स मिलेगा, जो कि 41 mm के रहने वाले हैं। पहले के कंपेरिजन में यहाँ पे उसमें भी चेंजेस आया है। अगर हम ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं, तो फ्रंट में फ्रेंड्स आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा और टायर्स कंपनी इसमें रेयर में 120x80 का आपको यहाँ पे 18 इंच का कंपनी टायर प्रोवाइड करेगी, जो कि काफ़ी अच्छा आपको ग्रिप प्रोवाइड कर देगा। अगर हम बात कर लेते हैं एग्जॉस्ट वगैरह के बारे में, तो बिल्कुल ही न्यू डिज़ाइन का आपको एग्जॉस्ट कंपनी ऑफर करेगी। एग्जॉस्ट नोट में भी चेंजेस आ गया है। और स्पीड मीटर की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी फीचर्स यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। एनालॉग प्लस डिजिटल का कॉम्बिनेशन में आपको स्पीड मीटर मिलेगा, जिसमें कि फ्रेंड्स आप फ्यूल लेवलर इंडिकेटर वगैरह और ट्रिप मीटर वगैरह आपको सब इसमें मिल जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पे कंपनी ने किया है कि अब इसमें फ्रेंड्स आपको फ्यूल का जो है वो इंडिकेटर भी मिल जाता है। और अब चाहे तो एज एन एसेसरीज में जो नेविगेशन वाला आता है आप उसे भी लगवा सकते हैं, जो कि कंपनी आपको मेटियोर में ऑफर करती है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे की के बारे में, तो की में फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पे लॉक और हैंडल लॉक और मेन लॉक दोनों आपको देखने को मिल जाता है। पहले हैंडल लॉक जो था वो नीचे से होता था, बट अब कंपनी ने हैंडल में ही प्लेस कर दिया है। तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट मुझे लगा, मतलब जो यूजेबिलिटी है बाइक की वो यहाँ पर बढ़ गई है। तो अगर हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग वगैरह के बारे में, तो प्राइसिंग जो है फ्रेंड्स इसका आपको 2,40,000 रुपीज़ के आसपास ऑन रोड देखने को मिलेगा। और काफ़ी सारे वेरियंट्स आने वाले हैं, तो सभी वेरियंट्स का जो है वो अलग अलग यहाँ पर प्राइसिंग रहने वाला है। बट अप्रॉक्स में आप मानकर चल सकते हैं कि 2,40,000 रुपये के आसपास में आप इसे ले पाएंगे ऑन रोड प्राइसिंग में, आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखा जाए फ्रेंड्स, तो ये था एक इसका छोटा सा यहाँ पे रिव्यू, जो जो चेंजेस इसमें आया वो मैं आपको बता दिया हूँ। और रहा बात रिव्यू का, तो बाइक लॉन्च होगी इसका रिव्यू आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। और कुछ क्वेश्चन है तो नीचे मुझे आप पूछ सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई एम सत्यम गुप्ता, साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।